हार्ट टचिंग स्टोरीज इन हिंदी। एक पिता और पुत्र की दिल छू लेने वाली कहानी। हार्ट टचिंग स्टोरीज इन हिंदी। पिता वो हैं जो आपको गिरने से पहले थाम लेता है, लेकिन आपको ऊपर उठाने की बजाय आपके कपड़ों से मिट्टी हटाता है और आपको फिर से कोशिश करने के लिए कहता है। आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। एक बाप अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकता है वह इस कहानी से स्पष्ट हो जाएगा। हार्ट टचिंग स्टोरीज इन हिंदी का शीर्षक एक पिता के द्वारा किया हुआ बलिदान। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बदंगाता हुआ निकला और बस स्टैंड के तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दीबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा ज्यादा था इसलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी या फिर वो जो भी सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। एक अपाहिज लड़की की दर्द भरी कहानी। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिससे देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसे खुश देखकर उससे ज्यादा खुश कोई था तो वह थे उसके पापा। अब उसके बेटे से गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलटकर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। किसान के खेत में फसल क्यों नहीं हुई,
तभी उसे उसके माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा ये जूता, कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पास को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहां कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। उस बेटे बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुनसा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी किल्लब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। आपको सफलता क्यों नहीं मिलती? उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा, उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या है। उसने पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूंगा वो अपने दम पर करूंगा, अपने मेहनत से करूंगा। क्या आप सफलता पाना चाहते हैं? इस हार्ट टचिंग स्टोरीज इन हिंदी से सीख। दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का आदर करे, और वो भी यदि किसी चीज के लिए मना करे तो आप उनकी मजबूरी को समझिए। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो 1,000 लोग मिलते हैं, लेकिन 1,000 गलती